नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में नागपुर हज हाउस में नारे निषेध कर स्मृति ईरानी व ज्योतिरादित्य सिंधिया के बैनर पर काली पोत कर निषेध व्यक्त किया गया। केंद्र सरकार द्वारा एक ही राज्य महाराष्ट्र में अलग अलग अमाउंट हाजियों से लिया जा रहा है, जहां मुंबई में 3,04,883 और नागपुर 3,67,044 रुपए लिया जा रहा है। इसमें अंतर साफ दिख रहा है कि केंद्र को एयरलाइन से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हाजियों से किया जा रहा है। मुंबई और नागपुर में 62,161 रुपए का फर्क नजर आ रहा है। वसीम खान ने कहा है कि इससे नागपुर के हाजियों को काफी परेशानियां हो रही हैं। पहले ही हाजी एक एक पैसे जोड़कर हज का सपना देखता है, ऊपर से केंद्र ने 62,161 रुपए का बोझ इन पर डाल दिया है, इससे इनके साथ काफी नाइंसाफी हो रही है। नागपुर से जाने वाले हाजियों की संख्या 3,100 है। इसे अगर जोड़े तो नागपुर से टोटल हाजियों को 19,27,00,000 का नुकसान हो रहा है और ये पैसे से केंद्र सरकार जो एयरलाइन को डूबी हुई है उसकी भरपाई कर रही है। बड़ी हुई राशि में जल्द से जल्द कटौती की जाए, वरना नागपुर के हाजियों को भी मुंबई से रवाना किया जाए। इस आंदोलन में महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष रमन कलवाले, महासचिव अतीक कुरेशी, सैयद मुमताज, सचिव ताजुद्दीन ताजी, ब्लॉक 17 अध्यक्ष अब्दुल शकील, महाराष्ट्र युवक कांग्रेस सचिव नवेद शेख, NSUI मध्य अध्यक्ष सितिज शाखरे, एहसान खान, आसिफ शेख, सौम्यजीत कुड़ू, फिरोज जिशान, सरफराज आदि उपस्थित थे। स्मृति ईरानी जो है वो हमारी माइनॉरिटी एंड अफेयर्स की मिनिस्टर है और अभी हाल ही में जो हज का फाइनल जो वो आया अमाउंट वो पिछले साल के एवज में और महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर में डिफरेंस उसका 67,000 कुछ है, यानी नागपुर में 67,000 ज़्यादा है, मुंबई में कम है। और वैसे औरंगाबाद और मुंबई का डिफरेंस करो तो 80,000 का डिफरेंस हो रहा है। तो ये हमारे जो हज यात्री जा रहे हैं 2023 का हज करने, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके ये इंसाफ नहीं मिल रहा है। उसी के लिए आज हम हज कमेटी हज हाउस के सामने महाराष्ट्र हज कमेटी के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में आज हमने ये आंदोलन किया है। और ये आंदोलन के माध्यम से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ये जो बढ़ाई हुई राशि है, जो हाजियों के लिए बढ़ाई हुई राशि है, उसे कम किया जाए। और जो दोहरा व्यवहार हो रहा है महाराष्ट्र में रहने के बाद अलग अलग शहर के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है, वो दोहरा व्यवहार कम होना चाहिए। ये तो हमारा ये जो आज नारा प्रदर्शन था, ये आंदोलन तीव्र आंदोलन की शक्ल में हम लोग इसको फिर से करेंगे। आंदोलन तो हमने ये आंदोलन नहीं किया, ये एक नारा निर्देशन किया है जिसमें हम 15-20 कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यक के बैनर पे, हमारे कांग्रेस कमेटी के बैनर पे किया है। ऐसी सारी तंजीमें भी कर रही है और भी जो खादिम तंजीम रहती है उन लोगों का भी कल मोर्चा है, निर्देशन है। इसके पहले मैंने PMO यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी लेटर लिखा है और स्मृति ईरानी को भी लेटर लिखा है। इनने सरासर हमारे साथ धोखा किया है। थोड़े दिन पहले हज के सर्कुलर आने से पहले, हज के फॉर्म आने से पहले केंद्र सरकार ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये बार हम लोग 50,000 पर हाजी के पीछे कम कर रहे हैं, लेकिन वो 50,000 कम करना तो छोड़िए, ये बार ऊपर से और बढ़ा दिया गया है। और जो ये मुंबई और नागपुर में जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस जल्द से जल्द कम होना चाहिए। या तो नागपुर के हाजी जो मैं खुद हज पे जाने वाला हूँ, तो हमारी मांग है कि हमको मुंबई से ले जाया जाए। जब 60,000 का डिफरेंस आ रहा है, एक नॉर्मल डिफरेंस आता था एयर फेयर में 11,000 रुपये का, 60,000 रुपए का डिफरेंस एक बड़ा अमाउंट है। ये क्यों किया जा रहा है? तो कर्नाटक में इलेक्शन है इसलिए बेंगलोर में अमाउंट कम कर दिया गया है, मुंबई में आने वाला NMC महानगर का इलेक्शन है इसलिए मुंबई में कम कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश है। नरेंद्र मोदी जी ने इस पर इनिशिएटिव कदम लेना चाहिए, अगर से नहीं लिए तो हमारा आंदोलन इस तरीके से जारी रहेगा और हम नागपुर के पोर्ट से जाने के लिए मना कर देंगे। NBC News के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।